हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी बगिया एंड अ लॉट मोर चैनल में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। तो आज हम कुछ आयुर्वेदिक पौधों के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास या घरों में होते हैं, लेकिन हमें फिर भी उनके फ़ायदे व गुणों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं। आयुर्वेदिक पौधों में सबसे पहला पौधा है तुलसी। यह पौधा सभी के घरों में पाया जाता है क्योंकि यह तुलसी का पौधा आसानी से उगाया जाता है। साथ ही यह धार्मिक रूप से जितना खास माना जाता है उतना ही उसका गुण भी होता है। अगर तुलसी के पत्तों का सेवन रोज़ाना किया जाए तो इससे खून साफ रहता है। इसके अलावा सर्दी खांसी को भी दूर करता है। साथ ही इसके उपयोग से त्वचा में हुए घाव या जले हुए को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है बीटल लीफ, जिसे पान पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। यह खाने में थोड़ी कसैली होती है, इसलिए इसे अन्य चीज़ों के साथ मिलाकर खाया जाता है। कुछ लोग इसे गलत आदत मानते हैं, लेकिन हर चीज़ की तरह इसके भी कुछ फ़ायदे हैं। जैसे यह कई रोगों जैसे दांतों की बीमारी, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, थकान व कमजोरी को कम करता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही औषधीय गुणों के कारण किया जा रहा है और यह वजन बढ़ाने में भी काफ़ी उपयोगी होता है। तीसरा पौधा है पुदीना। पुदीना को भी आसानी से हम घरों में ग्रो कर सकते हैं। इसके कुछ कटिंग्स भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसे ज़्यादातर घरों में चटनी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए शरबत बनाकर लिया जाता है। इसके सेवन से हम पेट में होने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं। साथ ही यह त्वचा से जुड़ी समस्या का समाधान करता है। इसे हम काली मिर्च, हींग और जीरे के साथ मिलाकर लेने से उल्टी जैसी परेशानी को ठीक कर सकते हैं और इसकी पत्तियां त्वचा पर लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है। चौथे नंबर पर है मीठा पत्ती। आप सभी को पता है कि मीठे पत्ती का उपयोग हम अपने खाने में करते हैं और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे करी पत्ता, कट नीम, गिरी नींब और पर्वत नींब। इसके उपयोग से सिर दर्द, मुंह के रोगों में फ़ायदा मिलता है और साथ ही मोतियाबिंद, पित्त विकार, कफ डिसीजेज जैसे में उपयोगी होता है। इसका उपयोग बदहजमी, दस्त, उल्टी, पेट दर्द, डायबिटीज़ को भी ठीक करने में किया जाता है। पांचवें नंबर पर आता है ब्राह्मी। यह भी सभी के घरों में आसानी से पाया जाता है। यह पौधा दिखने में जितना खूबसूरत होता है, इसका आयुर्वेदिक रूप से भी उतना ही महत्व होता है। ब्राह्मी का पौधा याददाश्त को मजबूत करने, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने तथा कफ को दूर करने व खून साफ करने में उपयोगी होता है। त्वचा संबंधी रोगों में भी इसका काफ़ी फायदा होता है। छठवें नंबर पर आता है पत्थर चट्टा, जिसे ब्रायोफिलम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी 60% घरों में आसानी से पाया जाता है। इसे भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा यह किडनी के रोगों में इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह पेट से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और यूरिन इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही पत्तियों का लेप घाव में लगाने से उसे भी ठीक किया जाता है। सातवां आयुर्वेदिक पौधा है एलोवेरा, जिसे सभी लोग आसानी से इसके बारे में जानते हैं। एलोवेरा में भी बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत व त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यह त्वचा के दाग धब्बे, मुहासे को कम करने और बालों को मुलायम तथा खूबसूरती बढ़ाने में भी उपयोग में लाया जाता है। वजन घटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही गठिया व डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स में भी उपयोगी होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।